तो चलिए बात करते हैं सीएल परिणीति के बारे में। परिणीति के आज के एपिसोड में राकेश तो चला जाता है, लेकिन यहाँ राजीव और साथ ही साथ परिणीति की जान बच जाती है। दोनों की शादी की सारी तैयारियां भी शुरू हो गई है। शादी तो जरूर होगी, उसी मंडप में होगी। और इधर नीति जो है वीडियो कॉल करती है परिणीति को वीडियो कॉल करती है और कहती है कि देख, तू जिससे शादी कर रही है वो सही नहीं है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तब यहाँ पर परिणीति बता देती है नीति को कि वो राकेश था, राकेश यहाँ पर था, लेकिन अब राकेश चला गया है और मेरी शादी उससे हो रही है जिसे मैं पसंद करती हूँ। नीति कहती है कि भाई मुझे भी मिलाओ, मुझे भी उससे मिलवाओ, मैं वीडियो कॉल पर हूँ, उसे बुलाओ। यहाँ पर नीति से जैसे ही मिलने वाला होता है राजीव, तब तक उसे कोई बुला लेते हैं, वो चला जाता है। यानी कि नीति और राजीव जो है आमने सामने नहीं आ पाते हैं। वेल, अब आपको बता दें कि कल के एपिसोड में भी होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त धमाका, जहां पर परिणीति और राजीव की शादी हो जाएगी, सात फेरे हो जाएंगे, शादी संपन्न हो जाएगी। लेकिन यहां राकेश जो है वो अपने साथ पुलिस लेकर आ जाएगा और कहेगा कि मेरी और परिणीति की शादी हो रही थी, लेकिन ये लड़का यानी कि जो राजीव है इसने आकर सब कुछ गड़बड़ कर दिया है और इन लोगों से पूछी क्या सच है। यहाँ पर राकेश के पापा और उसके जीजा जो है मिलकर एक खेल खेलते हैं, अपने ऊंचे ओहदे का इस्तेमाल करते हैं और पुलिस को भेज देते हैं राजीव को गिरफ्तार करने के लिए। यहाँ पर कहता है राकेश कि तुम डाइवोर्स लो परिणीति से और परिणीति मुझसे शादी करेगी। देखना दिलचस्प ये होता है कि आखिर क्यों राजीव को पुलिस गिरफ्तार करेगी, राजीव ने ऐसा क्या किया है और क्यों डाइवोर्स देगा राजीव परिणीति को। वेल, अब जो भी होगा उसकी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही।